हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा डिज़ाइन पैटर्न लेके आई हूँ। देखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बनाने में भी इजी ही है। हो सकता है आपको पहली बारी में थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी डिज़ाइन है। जब आप एक इसका ये फ्लावर डाल लोगे तो उसके बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा और आपको ये बहुत ही इजी लगने लगेगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही खूबसूरत और इजी बन जाने वाले डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। और अगर आपको डिज़ाइन बनाती बार कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से ये डिज़ाइन पैटर्न हमें तैयार करना है। ये डिज़ाइन पैटर्न 9 फंदों का है और 16 रोज तक चलता है, इसलिए हर एक रोज को अच्छे से ध्यान से देखना। तो ये मेरा पहला फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया है और आगे मैं गैपिंग के लिए 2 फंदे रख रही हूँ। तो ये 2 फंदे मैंने उल्टे ले लिए। इसके बाद अब हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। यहाँ से मैं 9 फंदे यूज करूंगी और बाकी ये वाला जो डिजाइन डला हुआ है अभी भी बता दूंगी, थोड़ा बहुत अलग से भी इस पे मैं वीडियो बना दूंगी, तो इसके आप इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना क्योंकि ये फिर आप भूल ना जाओ। इसीलिए तो पहला फंदा मैंने सीधा बुन लिया, 1 2 और ये 3 4 फंदे हमें सीधे ही बुन लेने हैं और 4 इस साइड को भी सीधे बुनेंगे हम, 4 इस साइड को भी सीधे बुनेंगे। और ये जो बीच वाला 5वां फंदा है इसमें हमारा ये वाला बबल बनेगा, फर्स्ट बबल। तो फर्स्ट बबल बनाने के लिए आपने पहले 1 और ये 2 और ये 3 बारी मैंने सिलाई लगाई इस तरह से और ये बन गया। पीछे से इसको उल्टा बुन लूंगी इस तरह से, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। अब मैं इसे इस तरह से सीधा बुनूंगी, तब ये हमारा बबल बहुत अच्छे से दिखाई देता है। अगर आप चाहें तो अगर आपको कोई और तरीका आता है बबल बनाने का वो भी यूज कर सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है, तो आप इस तरह से बबल बना सकती है। अभी ये थोड़ा सा लूज रखना पड़ता है बबल बनाती बार, आप ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से अब हमारा बबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट 4 फंदे हम फिर से ऐसे ही सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। बस ये इसी इन्हीं 9 फंदों पर चलेगा। अभी मैंने ये बबल यहाँ देख सकते हो आप, अभी मैंने ये बबल यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट फिर हमें ये जब हम थर्ड रो पे आएंगे तो ये इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, फिर बाकी ये जो फ्लावर बना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद धागे को आगे की तरफ करके 2 फंदे में ये उल्टे बुन लूंगी। फिर ये जो डिज़ाइन है ये भी 4 फंदों में डलता है, तो इसके लिए अब ये अगर आपको अभी समझ में नहीं भी आएगा तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। अगर आपको अच्छा ना भी लग रहा हो तो भी आप इसको स्किप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ मतलब कि इसे डालने के बजाय आप चाहें तो यहाँ उल्टे फंदों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी अपनी इच्छा है, आप जिस तरह से बनाना चाहें। तो अब नेक्स्ट है सेकंड रो में उल्टे फंदों को हमने उल्टा ही बुन लेना है। इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है, सीधा उल्टा कुछ नहीं है, आपने सारे फंदों को उल्टा ही बुन लेना है। हम आगे हैं रो नंबर थ्री में पहले फंदे को मैंने ऐसे ही उतार लिया, 2 फंदे मेरे गैपिंग के हैं, इन्हें मैंने उल्टा ही बुन लिया है। और इसके बाद पहले हमने 4 फंदे यहाँ सीधे बुने थे, अब हहमें 3 फंदे यहाँ सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमें ये वाला बबल अब इस 4th नंबर के फंदे पे लगाना है। तो 1 3 बन गए और अब ये 5 बन गए। धागे को इस तरफ को पलट के अब हम पहले इन्हें बना लेंगे, अगर आप ढीला ढीला बुनोगे तो बबल भी अच्छी तरह से आ जाएगा।
अब दोबारा से इसे पलट करके इस तरह से निकाल लिया और छोड़ दिया, और इस तरह से ये हमारा दूसरा बबल बन गया। अब एक फंदा हम फिर से सीधा बुन लेंगे जिस पे हमने ये वाला बबल बनाया था। पांचवा फंदा फिर से हमने सीधा ही बुन लिया और दोबारा फिर इसके ऊपर बबल बनाएंगे। ये देखिए आप, पहला बबल यहाँ पे, अब दो बबल हमें इसी थर्ड रो पे बनाने हैं। बीच वाला फंदा ऐसे ही बुन लेंगे और इधर भी बबल, इधर भी बबल। अब मैं बबल बनाना बार बार नहीं दिखाऊंगी, आप अपने हिसाब से जिस तरह से आप बनाते हो उस तरह से भी बना सकते हो। आप चाहें तो इसको, अगर आप ये इस तरह से नहीं लेना चाहते, बबल बनाने का ये भी तरीका है, अगर आप इस तरह से नहीं भी लेना चाहते तब भी आप इसे इस तरह से दोबारा से ले लीजिए इसी सिलाई पे। और अगर आपको पलट के दोबारा से इसे नहीं बनाना है, तो अगर आपको ज़्यादा बड़ा बबल नहीं चाहिए, तो इस तरह से भी ये, अगर आपने ढीला ढीला लिया है तो भी आप बबल को आसानी से बना सकते हो, तब भी ये देखने में अच्छा ही लगता है। हाँ, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा आएगा, पर ये तब भी देखने में अच्छा लगता है। आप जैसे भी चाहें बबल को बना सकते हो। फिर दोबारा से अब हमारे तीन फंदे सीधे आ जाते हैं। दोबारा दो फंदे मेरे ये उल्टे, और ये दो नंबर का फंदा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने इस तरह से बनाया है। दो नंबर का फंदा पहले बुन लिया, फिर ये पहला फंदा बुना, फिर जो ये आगे वाले दो फंदे हैं इनमें से ये पीछे से बुनना है दूसरे नंबर का फंदा, फिर पहला फंदा हमें आगे से बुनना है इस तरह से। बाकी मेरे दो एक्स्ट्रा बच जाते हैं, इन्हें मैं इसी तरह से ले रही हूँ। नेक्स्ट आपकी रो नंबर 4 उल्टी रो है, तो ये सारी उल्टी ही आएगी, तो इसे मैं नहीं बता रही हूँ। अब हम पहुँच जाते हैं रो नंबर 5 में, तो और 4 को हमने उल्टा ही बुन लिया और 5 रो चल रही है अब हमारी। तो दो फंदे मेरे गैपिंग के हैं, इन्हें मैंने इस तरह से ले लिया। अब हमें दोबारा से इसी पर बबल बनाना है, तो अब हम दोबारा से 4 फंदे सीधे लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे सीधे ले लिए और ये 5वें नंबर पे हमने बबल बनाना है। इस तरह से आप अगर चाहें तो बबल ऐसे भी बना सकते हो, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको पीछे से बनाते हो तो बबल थोड़ा सा बड़े शेप में आएगा, लेकिन आप इस तरह से भी बना सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैं अब ये ऐसे ही बना रही हूँ। आपको जो भी बबल बनाने का तरीका इजी लगा हो, अच्छा लगा हो, आप उस तरह से बना सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से ना, ये वाले बबल मेरे थोड़े बड़े बड़े आए और ये थोड़ा छोटा है। तो ये वाला जो बबल मैंने यहाँ पे बनाया है, ये मैंने इसी तरीके से बनाया है, छोटे वाले छोटा छोटा ही बनाया है, लेकिन देखने में फिर भी ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ तो अच्छे लगते हैं। आपको जो तरीका इजी लगे आप वो आप बना सकते हो। दोबारा अब 4 फंदे हमारे सीधे ही रहेंगे। दो फंदे फिर मेरे उल्टे हैं, तो उल्टे फंदों को उल्टा ले लिया, और पहले मैंने ये यहाँ से उठाया था, अब मैंने ये पीछे से उठाना है। पिछली वाली मतलब जो रो थी उसमें ये आगे से लिया था, अभी मैंने ये पीछे से लिया, मतलब उल्टा हो जाता है। अब ये जो दूसरे वाला है, तो अब मैं इस फंदे को आगे की तरफ बुन रही हूँ, बस यही होता है। फिर इस तरह से ये भी बहुत ही, ये देखिए आप, ये भी बहुत ही सुंदर आता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आप चाहें ना चाहें तो स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमारी रो नंबर 6 है, उल्टी है, तो ये उल्टी रो को मैं उल्टा ही बुन लूँगी, इसमें मैं दिखा नहीं रही हूँ। अब हम आ जाते हैं रो नंबर 7 में। रो नंबर 7 में पहला फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया, जो दो गैपिंग के फंदे हैं उल्टे हैं उन्हें मैंने उल्टा ही बुन लिया। और अब इसके बाद क्या करना है कि हमें ये जो फर्स्ट के 4 फंदे हैं इन्हें हम उतार लेंगे सिलाई से, इस तरह से,
इस तरह से मैंने इसे सिलाई से उतार लिया और ये वाले फंदे जो आगे वाले हैं इनको हम पीछे की तरफ से पीछे को खींच लेंगे और जो दूसरे हैं इनको हम आगे को खींच करके इसी सिलाई में दोबारा से ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर इनको सीधा ही बुन लेंगे। हमने फंदों को ट्विस्ट कर लिया। इसके बाद ये पांचवें नंबर का फंदा है, इसे भी हमें सीधा ही बुन लेना है और जो आगे के चार फंदे हैं उन्हें भी दोबारा इसी तरह से करना है। अब हमें इन फंदों को इस तरफ को ट्विस्ट करना है, तो दोबारा से सिलाई में इसे निकाल दिए इन्हें इस तरह से और ये इस तरह से दोबारा से हमने इन्हें भी ट्विस्ट कर लिया। अब हमें इन्हें भी सीधा ही बुन लेना है, दो तीन और ये चार। ये मेरे गैपिंग के हैं तो उल्टे बुन लिए और दोबारा पहले मैंने पीछे की तरफ से बुना था पिछली रो में, अब इसमें अब दोबारा से मैं इसे आगे की तरफ से दो नंबर के फंदे को बुनूंगी, फिर एक नंबर के फंदे को बुनूंगी और अब ये जो आगे वाले दो हैं इनमें से दूसरे नंबर के फंदे को अब पीछे से बुनूंगी, फिर नंबर एक के फंदे को बुनूंगी। दो मेरे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, इन्हें मैं ऐसे ही उतार रही हूँ। अब मेरी उल्टी सिलाई ही बना रही हूँ, इसमें भी नहीं आपको दिखा रही। अब हम पहुंच गए हैं रो नंबर 9 में। रो नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। अब हमें ये वाली चीज, अब हमारी यहाँ पे हमारी ये इस तरह से जालियां क्रिएट होंगी और ये गुलाब की पंखड़ी की तरह ये इस तरह से मूव करेंगे हमारे फंदे, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट फंदे को मैंने ऐसे ही उतार लिया, दो मेरे गैपिंग के हैं उन्हें मैंने गैपिंग के लिए मैंने उल्टे फंदों को उल्टा ही बुन लिया। इसके बाद मैंने दो फंदे सीधे बुनने हैं, एक और ये दो। दो फंदे सीधे बुन लेने के बाद अब दो फंदों को मैं सीधा ही इकट्ठा बुन रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद मैं जाली डालूंगी, तो इस वाले फंदे पे नेक्स्ट पे जाली डल गई और फिर इस फंदे को सीधा कर लेना है इस तरह से। अगर आप सीधा नहीं करते हो तो ये इस तरह से नहीं आएगा। ये देखिए आप यहाँ से इधर को, यहाँ से आप, मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये इस तरह से जाली हमारी क्रिएट होएगी और ये यहाँ को भी मूव करेंगे और यहाँ को भी मूव करेंगे, तभी फिर ये इस तरह से गुलाब की पंखुड़ी की तरह आगे को दिखाई देंगे, जैसे मतलब कि गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं और बीच में ये आपके बबल्स होंगे। तो फिर इसमें हमने एक जाली यहाँ पे डाल दी और दूसरी फिर से अब इसको हमने सीधा करके दो फंदों को यहाँ भी एक साथ बुनना है। तो दो हमने मतलब दो दो इकट्ठे बुन भी लिए और वो जाली डालने से हमारे फिर से रिक्रिएट भी हो गए और दोबारा से आपके दो फंदे और बच जाते हैं, उनको भी सीधा ही बुन लेना है। और नेक्स्ट फिर दो मेरे गैपिंग के हैं तो उन्हें मैंने उल्टा ही बुन लिया और पिछली बारी मैंने आगे से बुना था इस वाले डिज़ाइन में, अब हम पीछे से दो फंदे नंबर के फंदे को पहले बुन रहे हैं फिर एक नंबर का फंदा, और इसमें अब हम इसे आगे से बुनेंगे दो नंबर के फंदे को फिर एक नंबर का फंदा सीधा ही। और दो मेरे एक्स्ट्रा बचे हुए हैं इनको मैंने ऐसे ही ले लिया है। नेक्स्ट हमारी 10th रो जो है उल्टी आएगी, तो उल्टी रो को आपने उल्टा ही बुन लेना है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को, और बाकी अगर फिर भी पता ना चले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पहले फंदे को मैंने ऐसे ही उतार लिया, दो फंदे हमारे उल्टे आ जाते हैं और अब पहले हमने दो फंदों को यहाँ पे सीधा ही बुन लिया था, अब हमें एक ही फंदे को यहाँ पे सीधा ही बुनना है और दो फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे सीधा ही। फिर इसके बाद नेक्स्ट में हमारी यहाँ मतलब ये देख सकते हो अब यहाँ जाली दिखाई दे रही है, तो जाली के साथ जाली ही आएगी, मतलब धागे को आगे की तरफ रखना है और बुनना पीछे की तरफ है। फिर दोबारा धागे को पीछे की तरफ ही रहने देंगे, दो फंदे हमारे सीधे आएंगे और फिर नेक्स्ट हम धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस फंदे को फिर से सीधा करेंगे इस तरह से और फिर पीछे की तरफ इन्हें दोनों को इकट्ठा बुन लेंगे। तो
फिर से हमारे दो फंदे कम भी घट भी जाएंगे और दो ही जाली के डालने से बढ़ भी जाएंगे। अब एक फंदा हमारा फिर से बच जाता है तो इसे हम सीधा ही बुन लेंगे। अभी पिछली रो में हमारे दो फंदे हमने पहले बुने थे सीधे, फिर उसके बाद दो इकट्ठे बुने थे। इस वाली रो में हमने अब एक फंदा अलग से बुना है और दो फिर उसके बाद इकट्ठे बुने हैं। फिर यहाँ भी एक फंदा बचा है और यहाँ पे भी हमारा एक फंदा बच जाता है। तो अब दोबारा धागे को आगे की तरफ करके दो फंदे मेरे उल्टे हैं और यहाँ पे अब मैंने ये दो नंबर का फंदा सीधा बुन लिया, फिर एक नंबर का, अब ये पीछे से दो नंबर का, फिर एक नंबर का, और दो फंदे मेरे बच जाते हैं तो इन्हें भी मैंने सीधा ही बुन लिया। अब नेक्स्ट हमारी रो उल्टी रो है तो उल्टी रो को हमने उल्टा ही बुन लेना है। रो नंबर 12 हमारी उल्टी रो थी, उल्टी रो को उल्टा ही बुन लेने के बाद अब हम पहुंच जाते हैं रो नंबर 13 में। मैंने पहले फंदे को ऐसे ही उतार लिया, दो फंदे मेरे गैपिंग के हैं उन्हें मैंने उल्टा ही बुन लिया है। इसके बाद धागे को मैंने सीधा मतलब अब ये पहले हमने दो फंदे बुन लिए थे उसके बाद एक बुना था, अब हमारे पास कोई नहीं बचता है तो अब हम इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से, और फिर इसके बाद धागे को आगे की तरफ करते हुए बुनेंगे सीधा। फिर से हमारे यहाँ पे जाली डल जाएगी और फिर एक, दो, तीन और ये चार, चार फंदे हमारे सीधे ही बुन लेंगे। फिर हम धागे को आगे की तरफ करेंगे और इसे फिर से सीधा कर लेंगे फंदे को, तब ये हमारा इस तरह से आता है। फिर हमें दो फंदों को फिर से एक साथ बुनना है जाली डाल के, मतलब धागे को आगे की तरफ रखेंगे, बुनेंगे सीधा और फिर छोड़ दें। अब मतलब अब ना तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बचा ना तो यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा बुना था, तो दो फंदे अब हमारे फिर से उल्टे। और नेक्स्ट आप पीछे से मैंने अब ये दूसरे नंबर का फंदा पहले बुना, फिर पहले नंबर का, अब ये आगे से दूसरे नंबर का, फिर पहले नंबर का, और दो दो बच गए मेरे, इनको मैंने सीधा ही बुन लिया है। नेक्स्ट हमारी उल्टी रो है तो उल्टी रो को उल्टा ही। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि कितने आपके रोज चलते हैं। ये देखिए आप यहाँ से जैसे स्टार्टिंग है तो आपने पहली वाली रो में आपने ये बबल डाला, फिर नेक्स्ट आपकी उल्टी आएगी तो उल्टी रो को उल्टा बुन लिया, फिर उसके बाद थर्ड रो पे दो बबल बनाए हैं, फिर आपने उल्टा, फोर्थ आपकी उल्टी आई, फिफ्थ पे आपने फिर ये बबल बनाया, सेवन्थ रो में हमने फंदों को यहाँ इस तरफ को और इस तरफ को ट्विस्ट किया, एट्थ हमारी उल्टी होगी, नाइन्थ रो में हमने फर्स्ट हमारी ये जाली डली है, फिर टेंथ आपकी उल्टी, इलेवेंथ में आपकी सेकेंड और ट्वेल्थ आपकी उल्टी, थर्टीन में आपने ये डाली थर्ड नंबर की जाली और फोर्टीन आपकी उल्टी, फिफ्टींथ में हमने फिर हम पहुंच गए हैं। तो मैं बताती हूँ क्या करना है। तो अब हम फिफ्टींथ रो में हैं, फिफ्टींथ रो में उल्टे फंदे को हमने पहले फंदे को ऐसे ही उतार लिया, दो गैपिंग के हैं इन्हें मैंने उल्टा ही बुन लिया, और इसके बाद फिर क्या करना है कि अब दोबारा से फंदों को इस तरह से ट्विस्ट करना है। तो चार फंदे मैंने यहाँ पे उतार लिए हैं, एक दो तीन चार, और इन्हें यहाँ से पीछे से ले लिया और इनको आगे की तरफ को, फिर ये फंदे आपके इस तरह से आगे को मूव करेंगे, पहले यहाँ से मूव किए फिर यहाँ से, फिर ये एक फ्लावर की शेप में आ जाएगा। तो अब इन्हें सीधा ही बुन लेना है ट्विस्ट करने के बाद, एक दो और ये तीन और ये चार, चार और पांचवे फंदे को हमने ऐसे ही सीधा बुन लिया, और फिर दोबारा नेक्स्ट जो चार फंदे हैं उन्हें भी हमें इसी तरह से ट्विस्ट करना है। तो ये चार फंदे मैंने सिलाई से उतार लिए और ये दो मैंने इधर को, आप चाहें तो स्टिच होल्डर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, मुझे इस तरह से कंफर्टेबल लगता है तो मैं कर रही हूँ, अगर आपको ना लगे तो आप स्टिच होल्डर का या फिर कोई किसी और सिलाई का यूज़ कर सकती हो। तो अब इन चार फंदों को भी मैंने इसी तरह से बुन लिया। नेक्स्ट हमारे दो फंदे उल्टे हैं और अब मैंने ये दो नंबर का फंदा पीछे से बुन लिया,
फिर एक नंबर का और फिर यहाँ पे भी दो नंबर का फंदा पहले बुन लिया और फिर एक नंबर का, फिर दो फंदे मेरे सीधे बच गए तो इनको मैंने सीधा ही ले लिया। नेक्स्ट हमारी 16th रो आती है तो वो हमारी उल्टी ही है, तो उल्टी रो को हमने उल्टा ही बुन लेना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया हो तो आप रिपीट करके फिर से देख सकते हो। इस तरह से ये चला, इस तरह से, फिर इस तरह से आ गया, फिर इस तरह से यहाँ। अब ये 17th रो हमारी दोबारा से रो 1 की तरह चलेगी। कर दिया, अब मेरे दो गैपिंग के हैं तो मैंने उन्हें गैपिंग के लिए ले लिया। अब हमारे फिर से 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4, 4 फंदे सीधे। 5वें पे हमने बबल बनाना, एक बार बनाया और ये इस तरह से मैंने लगाया धागा और इस तरह से ये 2 बार बनाया। फिर अगर आपको ज़्यादा बड़ा सा नहीं बनाना है तो आप इस तरह से भी इनको उतार लें, तब भी ये अच्छा बबल बन जाता है। और अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो इनको पिछली साइड से उल्टा बुन के दोबारा से इसे उतार सकते हैं तो भी ये अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे इसी तरह से बनाया है। और अगर आपको थोड़ा बड़ा सा, जैसे ये बड़ा सा बबल चाहिए तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर दोबारा 4 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 3 और ये 4, 2 फंदे फिर मेरे ये उल्टे हैं। इसमें हम पहले एक बार पीछे से बुनते हैं, एक बार आगे से, तो अभी आगे से बुनूंगी 2 नंबर का फंदा, फिर 1 नंबर का, फिर नेक्स्ट में हमने ये 2 नंबर का फंदा पीछे से बुनना है, फिर 1 नंबर का और 2 फंदे फिर मेरे बच जाते हैं, इन्हें मैं सीधा ही बुन लूँगी। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी है, 2nd, तो उल्टा मैं नहीं दिखाऊंगी। ये है हमारी रो नंबर 3, तो रो नंबर 3 में भी एक पहले फंदे को ऐसे उतार लिया, 2 हमारे उल्टे आ जाते हैं। फिर अब हमने 3 फंदों को सीधा ही बुन लेना है। पहले हमने 4 बुने थे, अब हमने 3 बुन लिए हैं और 4th नंबर के फंदे पे हमारा दोबारा से आ जाएगा बबल। तो इस तरह से फिर ये एक फंदा मैंने ऐसे ही बुन लिया। फिर नेक्स्ट आपको फिर से बबल बनाना है, तो अब दोबारा से मैंने यहाँ पे बबल बना लिया। बबल बनाने के बाद हमारे फिर से यहाँ भी 3 फंदे बच जाते हैं तो इन्हें भी मैंने सीधा ही बुन लिया। नेक्स्ट 2 हमारे उल्टे हैं तो उल्टे को उल्टा, पहले हमने इसे आगे से बुना था, अब हम पिछली साइड से बुन रहे हैं और इसे हम आगे से बुन लेंगे 2 नंबर के फंदे को और फिर इस फर्स्ट वाले को। 2 मेरे बच जाते हैं, इन्हें मैंने ऐसे ही बुन लिया। नेक्स्ट 4th रो हमारी उल्टी है तो उसे मैं नहीं बता रही हूँ। अब ये हमारी रो नंबर 5 है तो 1st फंदे को ऐसे ही उतार लिया, 2 मेरे गैपिंग के हैं, इन्हें मैंने उल्टा बुन लिया। और अब हमें फिर से 1, 2, 3 और 4 फंदे बुन लेने हैं सीधे। 5वें पे अब हमारा फिर से आएगा बबल। फिर दोबारा ये 4 फंदे हमारे सीधे, तीन और ये 4 और फिर दोबारा से 2 फंदे मेरे उल्टे हैं तो उल्टों को उल्टा बुन लिया। और अब हमें ये 2 नंबर का फंदा मैंने पहले बुन लिया, फिर 1 नंबर का, अब यहाँ पे पिछली साइड से 2 नंबर का फंदा पहले बुन लूँगी और बच जाते हैं, इन्हें मैंने सीधा ही बुन लिया। अब नेक्स्ट 6th रो हमारी
उल्टी है तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये देखिए आप, इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। यहाँ पे बबल्स की मिस्टेक हो गई थी, मतलब दो मैंने अलग स्टाइल से बनाए हैं, दो मैंने अलग स्टाइल से बनाए हैं। आप एक ही तरह से बनाइएगा तब ये अच्छे लगते हैं देखने में। अभी देखिए यहाँ पे सुंदर आ रहा है ना, तो ये इस तरह से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे गुलाब की पंखुड़ी, यहाँ से भी, तो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा ये डिज़ाइन पैटर्न है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाकी कहीं दिक्कत आती है तो पूछ लीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल अभी न्यू ही है और आगे मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस इसी तरह के लेके आती रहूँगी।